कि आपके पास भी कोई अच्छी लोकेशन नहीं है और आप भी क्रिएट करना चाहते हो सिनेमैटिक शॉट्स, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। पर ये वीडियो प्रैक्टिकल होने वाली है और अगर आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। पर जिनको कहानी सुननी है कि मैं कोई कहानी सुनाऊँ, तो सॉरी, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इस वीडियो के अंदर जो खास करके सैमसंग के फैंस हैं उनको यहाँ पे मज़ा आने वाला है और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला अपना S24 Ultra और आपके साथ मैं शेयर करूँगा कमाल के स्किल्स और आइडियाज़। क्योंकि आईफोन से तो सभी शूट करते हैं और लिखते हैं शॉट ऑन आईफोन, पर अगर आप सच में एक सैमसंग फ़ैन हो मेरी तरह तो इस वीडियो को देख के आपको मज़ा आने वाला है। अगर आपके पास कोई अच्छी लोकेशन नहीं है पर यार आपके पास स्किल्स हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और आज की जो मेरी लोकेशन है वो है घर का जो होती है बैक साइड होती है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वीडियो मोड को, और सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपने सेलेक्ट करना है अपना रेजोल्यूशन और अपना फ्रेम रेट। और यहाँ से मैं यूज़ करूँगा 4K मतलब कि USD अपना रेजोल्यूशन, और FPS को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे हमारा 60 FPS। और अगर आपके फ़ोन के अंदर 1080p 30 FPS है या फिर 1080p 60 FPS है या फिर 4K 30 FPS है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे भूकंप नहीं आने वाला है। अगर भाई आपके फ़ोन के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है तो आप थोड़ा सा पीछे होके भी सीन को ले सकते हो, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते, आपको शराब है ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना स्क्रीन के ऊपर कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ प्रैक्टिकली, कहानी नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने लॉक करना अपना फोकस और एक्सपोजर लाइक कुछ ऐसे करके, और आपने कुछ यहाँ से मूवमेंट करनी है लाइक कुछ ऐसे करके कि जिसकी वजह से काफ़ी कमाल का एक सिनेमैटिक शॉट निकल के आएगा। और अब आपने क्रिएट करने हैं कुछ ड्रामेटिक क्लोजअप शॉट्स, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने S24 Ultra के या फिर किसी भी S सीरीज़ के टेलीफोटो जूम लेंस को। पर उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है कि जो कि शायद आपको पता ना हो, तो आपने यहाँ पे आना वीडियो मोड के अंदर। अब जैसा कि अगर आप ध्यान से देखो वहाँ पे आप देखो कि जो वो इलेक्ट्रिकल जो होता है जहाँ पे तारे वारा लगी होती हैं वो घर के पीछे, अगर मुझे उसे कैप्चर करना है या फिर उन घरों को मुझे कैप्चर करना है तो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड यूज़ करता हूँ तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा फिलहाल इस कैमरा मोमेंट के लिए। तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा अपना 5x वाला लेंस लाइक कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कमाल का नज़ारा आ रहा है। तो यहाँ पे आपने अगेन लॉक करना अपना फोकस और एक्सपोजर, इसे आप रूल मान लो, और यहाँ पे आके जस्ट आपने यहाँ पे टैप करना है और लाइक कुछ आपने इस तरीके से कैमरा मोमेंट क्रिएट करनी है लाइक कुछ ऐसे करके कि जिसकी वजह से ये जो ग्रिल्स हैं अगर आप यहाँ पे मूवमेंट करते हो ना लाइक कुछ ऐसे करके तो एक ड्रामा ऐड होगा आपकी वीडियो के अंदर। और यार मुझे एक बात बताओ कि आपके जो ये हाथ हैं ये ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं और हर जगह पे आपके जो हाथ हैं वो जाते हैं, तो आप इसको यूज क्यों नहीं करते हो? इसको आप यूज कर सकते हो। अब जैसा कि मुझे यहाँ पे स्काई को कैप्चर करना है तो मोस्टली बंदे ऐसे पकड़ेंगे अपने फ़ोन को, है ना, ऐसे पकड़ेंगे लाइक कुछ ऐसे करके, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे अपने फ़ोन को प्लेस करो और सेलेक्ट करो अपना अल्ट्रा वाइड लेंस और यहाँ पे लॉक करो अपना फोकस और एक्सपोजर, और यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही येलो वाली लाइन, इस येलो लाइन को आपको स्ट्रेट रखना है लाइक कुछ ऐसे करके, और इस तरीके से आपने एक सिनेमैटिक शॉट क्रिएट करना है। और अब मैं आ चुका हूँ अपने घर के छत के ऊपर और यहाँ पे मेरे पास है टूटा फूटा सामान, और इसको मैं यूज़ करके अपनी वीडियो के अंदर सिनेमैटिक शॉट्स को और इन्हेंस करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप आओ और देखो कि मेरे पीछे यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, और ये मेरी लोकेशन है। और इसको मैं हाईलाइट करके कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, सबसे पहले लगाते हैं यार अपने ट्राईपॉड को। तो यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेम है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक कि आपको मैं यहाँ पे दिख रहा हूँगा, तो आज मैं थोड़ा सा व्लॉग स्टाइल शूट कर रहा हूँ। और कैमरा ऐप को ओपन करके मैं यहाँ पे आऊँगा और सेलेक्ट करूँगा अपना अल्ट्रा वाइड लेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वाइडर व्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आके, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस तरीके से शॉट ले सकता हूँ या फिर मैं कुछ इस तरीके से शॉट को ले सकता हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा और लाइक कुछ इस तरीके से एक सिनेमैटिक शॉट निकालूंगा लाइक कुछ ऐसे करके।
और फिर आपने स्लाइडर शॉट क्रिएट करना है और चेक करना है कि कहाँ पे आपकी फ्रेमिंग अच्छे तरीके से आ रही है, और यूज़ करना ग्रिड लाइंस का कि जिसकी वजह से आपको मिले प्रॉपर कॉम्पोजिशन और प्रॉपर फ्रेमिंग कि जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, और एंड में आपको मिलेगा कमाल का रिजल्ट आपकी वीडियो के अंदर। और इस वीडियो का मैं कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट और सिनेमैटिक शॉट्स को आपने कैसे एडिट करना है कैपकट के ऊपर जल्दी मैं ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ, और इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो कमाल की एक सिनेमैटिक वीडियो अपने सैमसंग के फ़ोन के साथ।